एक्सलेंसीज, फ्रेंड्स, स्पेस सेक्टर हमारे बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक दूसरा क्षेत्र है। भारत ने स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग सदैव विकास के उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया है। भारत और भूटान इस उद्देश्य को साझा करते हैं। पिछले वर्ष मैंने भूटान में साउथ एशिया सैटेलाइट के उपयोग के लिए ग्राउंड अर्थ स्टेशन का उद्घाटन किया था। मुझे खुशी है कि इस स्टेशन की मदद से भूटान ब्रॉडकास्टिंग और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए साउथ एशिया सैटेलाइट का और प्रभावी उपयोग कर पा रहा है। कल हमने पीसफुल यूजेज ऑफ आउटर स्पेस में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से एक फ्रेमवर्क दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। इससे दोनों देशों की विभिन्न संस्थाओं के बीच सहयोग का मार्ग प्रशस्त होगा। भारत ने हाल ही में अपने अंतरिक्ष क्षेत्र को प्राइवेट एंटरप्राइज के लिए खोला है, बहुत बड़ा रिफॉर्म किया है। इससे कैपेसिटी, इनोवेशन और स्किल्स को बढ़ावा मिलेगा। मुझे इस बात की विशेष खुशी है कि अगले साल इसरो द्वारा भूटान की सैटेलाइट को अंतरिक्ष भेजने के लिए काम तेजी से चल रहा है। इसके लिए भूटान के 4 होनहार युवा स्पेस इंजीनियर्स दिसंबर में इसरो जाएंगे। मैं इन 4 नौजवानों को अनेक अनेक शुभकामनाएं भी देता हूं। मैं जानता हूं कि हिज मैजेस्टी भूटान नरेश अपने देश के विकास में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ाना मन से काफी इच्छा भी रखते हैं और उसको प्रोत्साहन देते हैं, और उनका अपना एक विजन है। उनके इस विजन को साकार करने के लिए भारत अपना अनुभव और अपनी सुविधाएं साझा करने के लिए पूरी तरह तैयार रहेगा। इसी तरह भूटान में एक आईसीटी एनेबल्ड नॉलेज बेस्ड सोसाइटी, इसका निर्माण करने के उद्देश्य का भी हम पूरी तरह से समर्थन करते हैं। मैं भूटान के लिए 3rd इंटरनेशनल इंटरनेट गेटवे उपलब्ध कराने हेतु BSNL के साथ एग्रीमेंट का हृदय से स्वागत करता हूं।